वो नंबर रंकज का है नहीं, और कोई नाम है सोनू कुछ मेहता कुछ ऐसा नाम है, वो ये लड़की कौन है, क्यों ऐसा कर रही है। अगर रंकज उसके लिए कोई वीडियो भेजता है तो वो नंबर सामने लाओ ना, कि किस नंबर से भेजता है, किस नंबर पे भेजा है, उसको वेरीफाई करो कि किसका नंबर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले दे विच एक नवा मोड़ आया है जिस दे विच रंकज का परिवार सामने आया, मेरे नाल गलबात करने लिए मौजूद ने। सर क्या नाम है थोड़ा? मेरा नाम पंकज है सर। पंकज, जिहड़ा मामला यूनिवर्सिटी दे विच आया भी रंकज उत्ते आरोप लगे ने जिस दे विच कहा गया भी रंकज ने वीडियो वायरल की है, पूरा मामला की है, क्या अज पूरे मोहाली पहुंचे, क्या कारण है? देखिए सर, जैसे ही ये फोटो वायरल होती है रंकज की, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लग गई, ट्रेंड हुई, जैसे ही ये हम लोग को पता चला कि ये फोटो वायरल हो रही है, डीपी वायरल हो गई है, हम उसी वक्त हम ढली पुलिस थाना पे गए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखाई, तीन बार हम वहाँ ढली थाने में गए, आप चाहो तो सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकते हो, एसएचओ साहब वहाँ पे बैठे थे, एसएचओ साहब भी वहाँ पे बैठे थे, तो उसके बाद उन्होंने हमारी बात करवाई चंडीगढ़ पुलिस से, सॉरी पंजाब पुलिस से, जो यहाँ की है पंजाब पुलिस से हमारी बात कराई, पंजाब पुलिस से हमारी बात हुई और हमने पंजाब पुलिस के सामने भी यही मैटर रखा कि सर हमने ही वो क्लिप उनको दी, उनने कहा कि आपके पास, उसने ही दी है, रंकज ने अपने ही फोन से डाली दी है इनको, अपने ही फोन से उनसे बात की है, तो उनने कहा है कि सर, उसने कहा कि सर मेरी ये डीपी ऐसे ऐसे वायरल हो रही है, तो आप प्लीज़ इसमें कुछ करें, हमने ऊपर भी यही कहा कि सर ये हो रही है, आप इसको रोकिए, ये लड़की कौन है, क्यों ऐसा कर रही है। तो पंजाब पुलिस ने हमें कहा कि आप लोग अभी, हम लोग आ ही रहे, आप लोग वेट कर लीजिए, तो पंजाब पुलिस उसके बाद आई है, जब हमने इन्फॉर्मेशन दी है नीचे, पंजाब पुलिस से हमारी डायरेक्ट बात हुई है, ढली थाने में हम रहे 8 बजे तक, हमने इंतज़ार किया है पंजाब पुलिस का वहाँ पे, हम ढली थाने से आए हैं पंजाब पुलिस के साथ रंकज ढली थाने से आया पंजाब पुलिस के साथ, वो वहीं पे था 8 बजे तक, 8:30 बजे तक उनको फ़ोन भी कर रहा था, पंजाब पुलिस को फ़ोन भी कर रहा था कि सर आप कहाँ पे पहुँचे हो, हम ढली थाने में ही है, तो वहाँ से वो ढली थाने से ही आया है। अब सर बात रहती है कि उसकी डीपी जो उसकी लगाई गई, डीपी उसने जो है वो है रंकज की, नीचे जो मेंशन होता है वो नंबर रंकज का है नहीं, और कोई नाम है सोनू कुछ मेहता कुछ ऐसा नाम है, वो उसका नाम है नहीं, और इसमें डीपी को इतना ज़्यादा वायरल कर दिया जाता है, कि उस लड़की की पूरी इमेज ख़राब कर दी गई है, पूरी तरह से उस लड़की की इमेज को डैमेज कर दिया गया है, और उसने सिर्फ और सिर्फ डीपी ही उस लड़के की है, और यही बात वो भी कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं कि उसने सिर्फ डीपी ही रंकज, और अब बात रहती है कि रंकज उसके लिए मैसेज उसके वीडियो भेजता था, अगर रंकज उसके लिए कोई वीडियो भेजता है तो वो नंबर सामने लाओ ना, कि किस नंबर से भेजता है, किस नंबर पे भेजा है, उसको वेरीफाई करो कि किसका नंबर है। रंकज और सनी का आपसी तालमेल क्या है, रंकज और सनी क्या एक दूसरे को जानते हैं? नहीं सर, हमारे पास भी ये कहा कि मैं इस लड़के को नहीं जानता, पुलिस स्टेशन ने भी उसने ये कहा कि नहीं जानता है, अब आपस में उनका कोई एक लगातार वाव रे कि रंकज का दिल्ली मुंबई कोई कनेक्शन है, क्या ये सच है? देखिए सर, ऐसा है, वो ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, उसकी ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी में देखिए जब कॉल्स होती है, अब कहाँ से बुकिंग आती है, दिल्ली से आती है, चंडीगढ़ से, ट्रैवल एजेंसी में उसका जो वो एक बिजनेस है, उस वे पे ये बात आ रही है कि उसके कॉन्टैक्ट्स है या है, वो कॉन्टैक्ट सिर्फ बिजनेस पर्पस लिए। पुलिस के साथ अब क्या बातचीत हुई अंदर? देखिए पुलिस के साथ तो हमारी कोई बातचीत अभी हुई नहीं है सर, लेकिन डीएसपी कह रहे हैं कि जो रंकज और सनी है उन्हें वापस हिमाचल भेजा जाएगा पुलिस में। अब ये तो पता नहीं सर, इस बात का हमें कोई पता नहीं है अभी। तो मेरे नाल इस वक्त रंकज दे परिवार थी जिन्हें दस्या कि रंकज का कोई कसूर नहीं है, उसनू इतने लिया गया, पंजाब पुलिस वालों गिरफ्तार किया गया, हालांकि रंकज जदों ये मामला जिस तरह शुरू होता है तो रंकज वालों सीधा पहला पुलिस को दसया जाता है, लोकल जी पुलिस है उसको दसया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी है जिससे पुलिस को दसया जाता है कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी डीपी जो है मेरी फोटो लगातार वायरल हो रही है, जिसनों लैके पंजाब पुलिस फिर भी उसनों अपने हत्था में ले लेंदी है, हिमाचल तो सीधा पंजाब में ले लेंदी है। रंकज सनी तो हूँ एक होर दूजे तीजे पर्सन नाम आ रहे, जबकि डीएसपी मैडम ने साफ तौर पर गल दस दी है, ये किसी का नाम नहीं है। मोहाली तो अभिषेक मैन की रिपोर्ट पंजाब तक।